मुख्यमंत्री जी खामोशी तोड़िए, श्री राम पर अभद्र टिप्पणियां हो जा रही हैं बिहार में और ये लोग चुप हैं। कहाँ है आज वो लोग, मैं पूछना चाहता हूँ। रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी, वो कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। देखिए जीतन राम मांझी का एक बयान कि भगवान राम को हम नहीं मानते, इसको लेकर बड़ा बवाल मचा। वही नागमणि कुशवाहा के सिपाही राजन सिंह जो प्रवक्ता हैं, क्यों किस तरह से जीतन राम मांझी को पर बरस पड़े और क्यों कह रहे हैं वो किसी काम के नहीं। आपको ये अधिकार किसने दिया जीतन राम मांझी जी कि आप किसी को बोल दो कि आप स्वर्ण जाति से हैं तो आप मंदिर में मत जाइए, आप मस्जिद में मत जाइए। मैं स्वर्ण जाति से हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जीतन राम मांझी जी कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानने वाला राजन सिंह हूँ और मैं श्री राम के विचारों को भी मानने वाला हूँ और मैं APJ अब्दुल कलाम के विचारों को भी मानने वाला हूँ। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी मानते हैं, हम लोग APJ अब्दुल कलाम को भी मानते हैं, हम लोग भगत सिंह को भी मानते हैं और हम लोग बिहार के उन करोड़ों युवाओं को मानते हैं जो आज विकास के लिए बिहार की बात कर रहा है। आप जैसे लोग AC के कमरों में बंद पड़े हैं और आपकी जाति के लोग आज भूख से मर रहे हैं, ये बात आप सूचांक उठा लीजिए, यूनिसेफ का डाटा उठा लीजिए। मुझे कहते हुए बड़ा शर्म आ रहा है आज, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन ये बात मुझे कहते हुए शर्म आ रहा है कि आज मुसहर समाज के जाति के लोग बिहार में सबसे ज़्यादा कुपोषित है। क्यों नहीं जाते उनके यहाँ पर, बाराचट्टी, इमामगंज, गया, जहाँ से आप जीतते हैं जीतन राम मांझी जी, आपके समाज के लोग कितने अशिक्षित हैं बताइए, क्यों नहीं इस पे बात करते? आप इसलिए बात नहीं करते क्योंकि आप लोग डरते हैं कि अगर कहीं शिक्षा की बात आ गई, स्वास्थ्य की बात आ गई तो आप लोग उसमें फेल हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ बड़ा क्लियर कि आज बिहार में ये बात सही है कि महादलितों के लिए नीतीश जी ने 2005 में जब आए तो दलित से एक महादलित विकास मिशन बनाया, आयोग बनाया, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी की मजबूरी क्या है कि आज वो भगवान श्री राम पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं जीतन राम मांझी जी और उस पर उन्होंने बोला नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, बल्कि प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी खामोशी तोड़िए, श्री राम पर अभद्र टिप्पणियाँ हो जा रही हैं बिहार में और ये लोग चुप हैं। कहाँ है आज वो लोग, मैं पूछना चाहता हूँ। रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी, वो कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ। अरे आप हनुमान बनते हो और बिहार में आपके श्री राम को गालियाँ दी जा रही हैं और आप लोग चुप हो, ये बहुत गलत है। मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, मैं बिना किसी के भावनाओं को भड़काते हुए, कि क्या जाति से ही बिहार की राजनीति चलेगी? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वास्थ्य, अब इस पर कोई बात नहीं होगी? जीतन राम मांझी जी कोई अकेले व्यक्ति नहीं, सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति, और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम श्री राम को नहीं मानते, उन्होंने ये कहा है कि स्वर्ण विदेशी हैं और श्री राम भगवान नहीं थे, वो तो ये कह रहे हैं। क्यों भाई, नहीं आप ये बताइए ना, किसने अधिकार दिया जीतन राम मांझी को हमारे श्री राम के बारे में बोलने का? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा। मैं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, बताइए कहाँ लिखा था? और आप ये जो पूछ रहे हैं श्री राम जी को मानने वाली बात, वो तो एक हटाइए, ये लोग क्या श्री राम को मानेंगे? ये श्री राम के पद चिन्हों पर कभी चल ही नहीं सकते, एक अपने नाकाम बेटे को मंत्री बना रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि हम श्री राम को नहीं मानते। बताइए इनका बेटा प्रवीण मांझी, वो तो मंत्री बन गए, प्रवीण मांझी की बात कर रहा हूँ मैं, जो चुनाव के समय 4.5 लाख रुपया गाड़ी में लेते हुए पकड़ाए थे, क्यों नहीं बोल ले उसके ऊपर? बोलिए ऐसा बेटा भी तो नहीं होना चाहिए।
कहाँ से आया प्रवीण मांझी के पास इतना पैसा? देखिए मैं इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया में उस पर बात नहीं हो रही, और क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जनता को, आज बिहार के लोगों को हो चाहे भारत, उनको गुलाम बना दिया गया है। आप बोलेंगे आपको जेल भेज दिया जाएगा। दो तरीके का कानून व्यवस्था कर दिया गया है, एक अमीर के लिए एक गरीब के लिए। तो गरीब को तुरंत जेलों में भेज दिया जाएगा, अमीर को कोई हाथ नहीं लगाएगा, यही अब की नीति बन चुकी है। अरे सरकार तो इन्हीं के पूंजीपतियों ने खरीद रखी है ना, सरकार किसने खरीदा है अब बताइए? सरकार बिक चुकी है, सिर्फ कंपनियां नीलाम नहीं हुई हैं, पार्टियां नीलाम हो चुकी हैं, और ये सरेआम सड़कों पर बिक रही हैं। आपके पास अगर 100-200 करोड़ रुपया हो तो आप किसी भी राज्य की राज्य सरकार खरीद सकते हो, यही आज की स्थिति है। तो आपने सुना राजन सिंह को, जो नागमणि कुशवाहा के सिपाही और प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्लियर क्लियर कह दिया कि ऐसे लोग किसी काम के नहीं, और बहुत कोसा, इतना ज़्यादा कि वो बोल रहे थे कि कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान राम को नहीं मानते। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।